हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी हैप्पी बाय बुलबुल गुप्ता। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज मैं हेयर वॉश रूटीन आपको दिखाने वाली हूँ। सो मैं अपने बालों को फर्स्टली गीला कर रही हूँ। और मैं इसके पहले एक और बात कहना चाहती हूँ जो मैं वीडियो क्लिप बना नहीं पाई। एक्चुअली जब भी आप हेयर वॉश करने जाएँ तो सबसे पहले आप अपने हेयर को अच्छे से कॉम करें, देन आप हेयर वॉश करने के लिए जाएँ। बिकॉज अगर आपके बालों में थोड़ा भी टेंगल होगा तो आपके बाल और भी ज़्यादा उलझ जाएंगे, जिसको फिर आपको सुलझाने में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। सो हेयर वॉश के पहले आप पहले अपने हेयर में जल कॉम कर लें, एंड उसके बाद अपने हेयर को अच्छे से गीला कर लें, अच्छी तरह से गीला करें ताकि शैम्पू आपके बाल में रह ना जाए, कहीं पे चिपक ना जाए। और देखिए मैं कैसे कैसे हेयर वॉश कर रही हूँ। सो फर्स्टली मैं अपने बालों को गीला कर ले रही हूँ, एंड देन मैंने पतंजलि का केशकांति शैम्पू लिया, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया भी था आपको। सो वो वीडियो चैनल पे है, आप जाकर के देख सकते हैं। मैं पतंजलि का ही शैम्पू यूज़ करती हूँ, केशकांति मिल्क प्रोटीन शैम्पू। सो मैंने इसे थोड़े से पानी में मिक्स करके मैं अपने बालों पर अप्लाई कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने अपने बालों में ऑयलिंग की हुई है। सो मैं फ़र्स्ट टाइम शैम्पू अप्लाई कर रही हूँ तो इसमें ऑयल तो नहीं निकलेगा। सो मैं दो बार हमेशा से शैम्पू करती हूँ। सो फर्स्ट टाइम में तो, और ये बिल्कुल माइल्ड शैम्पू है, सो इसमें आपको बहुत ज़्यादा झाग जैसे कि जनरली शैम्पू में दिखता है वैसा आपको नहीं दिखेगा। सो ये हल्का हल्का झाग इसमें आएगा। सो फर्स्ट टाइम में तो ये ऑयल नहीं निकलेगा। सो देखिए मैं कैसे हेयर वॉश कर रही हूँ। सो मैंने फर्स्ट टाइम शैम्पू अप्लाई कर लिया है, मैं अपने बालों को अच्छे से रिंस करूँगी वाटर से, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की, एक्चुअली मैंने ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाया बिकॉज आप लोग को भी बोरिंग लगेगा। मैंने जो मेन पॉइंट था मैंने उसे ही कवर अप किया है। सो इसलिए ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट दिखेगी आपको। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने बालों को फर्स्ट टाइम शैम्पू करने के बाद रिंस कर रही हूँ, पानी से मैं अपने बालों को धो रही हूँ। सो ये देखिए मैंने बालों से पानी निकाल लिया, एंड मैं ये दूसरी बार मैं अप्लाई कर रही हूँ शैम्पू को, और मैं थोड़े से पानी में शैम्पू ले रही हूँ ताकि झाग अच्छे से हो। और मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ अपने बालों पर, और इस बार में थोड़ा झाग होगा और मेरे बाल अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। सो मैं इसमें आपको जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने वीडियो को जानबूझकर शॉर्ट रखा है ताकि आप लोग को ज़्यादा बोरिंग ना लगे, एक ही चीज़ आप बार बार ना देखो। सो मैं आपको फ्रंट में आकर के दिखा रही हूँ, मैं इसे ऐसे वॉश कर रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से आपको वॉश करना, आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है अपने बालों में। सो आपको हल्के हल्के हाथ से इसे वॉश करना है और पूरे बाल को एंड तक आपको वॉश करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। फर्स्टली मिडल में जाएंगे, उसके बाद लोअर पार्ट पे भी आएंगे, और हेड मसाज पे भी, जहाँ हम लोग हेड मसाज करते हैं वहाँ पे भी हम करेंगे। सो देखिए मैं हल्का हल्का सा बालों को ऊपर जाए, बहुत ज़्यादा अपने बालों को इस तरह से मिक्स नहीं करना, मैं इशारा भी कर रही हूँ, इस तरह से पूरे बालों को मिक्स नहीं करना। अगर आप मिक्स करोगे पूरे बालों को ऊपर ले जा करके हेड पे, तो वो बहुत ज़्यादा उलझेंगे और बिल्कुल डिटेंगल नहीं हो पाएंगे, आप उसे टेंगल नहीं कर पाओगे और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। सो आप पूरे बालों को मिक्स ना करें, आप ऐसे ही लंबे से लटका करके, ऐसे जैसे मैं वॉश कर रही हूँ, अपने बालों को आगे रख लीजिए या पीछे रख लीजिए, आप इसे सीधे हाइट में इसे वॉश करिए, और बिल्कुल भी हेयर को ऊपर ले जा करके पूरा मैशअप करके बिल्कुल भी बाल को, आप अपने बालों को स्ट्रेट पोजीशन में रख के ही हेयर वॉश करें, बिकॉज अगर आप ज़रा सा भी मैशअप करेंगे तो आपके बाल काफ़ी उलझेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।